ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन लगातार जारी है कल सुबह से, और ये आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की बाकी टीमें भी यहाँ पे आ रही है। रेनफोर्समेंट बुलाई गई है जिसमें आर्मी के पैराट्रूप और पैरा कमांडोज भी शामिल है, उनको भी यहाँ पे लाया गया है इस ऑपरेशन में जो है शिरकत करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरफ से भारतीय सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की प्रेजेंस है, और चप्पे चप्पे पे जो है कॉर्डन शुरू किया गया है। हालांकि फायरिंग लगातार हो रही है, आप देख सकते हैं, अब रेनफोर्समेंट बुलाई जा रही है क्योंकि दिन भर जो सुरक्षा बल इस ऑपरेशन में लगे थे उनको काफी जगहों पे रेस्ट की भी जरूरत होती है, तो इसलिए बाकी पैराट्रूपर्स को भी यहाँ पे अब लाया जा रहा है। ऑपरेशन में अभी काफी टाइम लग सकता है, आप देख सकते हैं हम ग्राउंड जीरो पे हैं और किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बलों की बाकी टीमें आ रही हैं और वो रात भर यहाँ पे रहेंगे क्योंकि अब ये रात भर ऑपरेशन फिर से चलेगा। कल रात भी ये ऑपरेशन जारी रहा, कल सुबह से यह ऑपरेशन चला, जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो किया गया उसमें जो पहले फायरिंग हुई उसमें फौज के दो अफसर गंभीर रूप से घायल हुए थे और एक पुलिस का अफसर घायल हुआ था जो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। आप देख सकते हैं ये पैराट्रूपर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं इस ऑपरेशन में। अब रात भर जो ये ऑपरेशन चलेगा, अभी ऑपरेशन में जा रहे हैं, जुट रहे हैं क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा तादाद में पैराट्रूपर्स के साथ साथ बाकी आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये वो माउंटेन्स है, देख सकते हैं आप, ये आर्मी के दस्ते हैं और ये आप देख सकते हैं ये माउंटेन्स, इन्हीं पे आप इनको चढ़ना होगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सुरक्षा बल तैनात है। रीइन्फोर्समेंट की बहुत जरूरत पड़ती है ऐसे पहाड़ों पे क्योंकि काफी एग्जॉस्ट हो जाते हैं सुरक्षा बल दिन भर जो ऑपरेशन कर रहे हैं या कल सुबह से जो ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब ऑपरेशन में जुड़ने के लिए बाकी भी लोग आ गए, आप देख सकते हैं ये सारे, इसमें से काफी पैराट्रूपर्स हैं, कमांडोज हैं जिनको यहाँ पे लाया गया है। जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनकी तलाश लगातार जारी है, उनको ढूंढा जा रहा है। पुलिस ने पहले ही कहा कि लश्कर के दो मिलिटेंट जो है वो यहाँ पे छुपे हुए हैं जिनके साथ मुठभेड़ चल रही है। और ये आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरे पर से दिखाऊं, थोड़ा सा आगे आके आपको दिखाएं कि यहाँ पर पैराट्रूपर्स है और ये देख सकते हैं आप हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं, चॉपर घूम रहे हैं। एक आर्मी का जवान जो घायल हुआ था उसे इवैक्यूएट किया गया है, सूचना मिल रही है कि उसे टांग में गोली लगी है। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस ज्यादा बढ़ गई है, राइट लेफ्ट जहां से भी देखेंगे तो वहां पे सुरक्षा बल तैनात है। सुरक्षा बल ये कहा जा सकता है कि ये रात भर ऑपरेशन करेंगे, ये पैराट्रूपर्स हैं, ये कमांडोज हैं, एक स्पेशल फोर्स है भारतीय सेना का जो आगे इस फोर्स में शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से साजो सामान से लेस अलर्ट AK-47 हाथ में और ये आगे पहाड़ की तरफ जाएंगे, ये पूरा ऑपरेशन अंजाम देंगे। एक बड़ी खबर यही है कि अब ड्रोन के जरिए फायरिंग की जा रही है, यानी अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुपर जगह पे ड्रोन को पहुंचाया जा रहा है, ड्रोन विजुअल्स दिखा रहा है, फोटोग्राफ दिखा रहा है और उसी स्पॉट पे फायरिंग की जा रही है। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल अब किया जा रहा है इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन लंबा खींच रहा है, शायद रात भर में और ऑपरेशन चलेगा जब तक ये दो मिलिटर जिनको एनसर्कल किया गया है उनको जब तक बाहर नहीं गिराया जाएगा तब तक शायद आप सुरक्षा बल यहाँ से नहीं जाएंगे। ये आप देख सकते हैं सुरक्षा बल तैनात, भारी तादाद में यहाँ पे आया है और ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे सुरक्षा बल है जो कल सुबह से ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनको रिप्लेस भी कर सकता है क्योंकि सुरक्षा बलों को रेस्ट की जरूरत होती है, खाना पीना उनके लिए लाया जा रहा है क्योंकि डिफिकल्ट, जैसे मैंने कहा कि एक डिफिकल्ट ऑपरेशन है, एक बड़ा ऑपरेशन है जिसको अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि कल फौज को और पुलिस को नुकसान जरूर पहुंचा कि तीन ऑफिसरों की जान इस ऑपरेशन में गई, लेकिन आप जो मिलिटेंट वहां पे फंसे हुए हैं उनके साथ लोहा लेने के लिए पैराट्रूपर्स को और वहां पे ले जाया जा रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इन पहाड़ों पे जाके, क्योंकि ये काफी स्टीप माउंटेन्स हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, ये पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। मिलिटेंट इसी पहाड़ में छुपे हुए हैं, सुबह से लगातार इसी पहाड़ पर फायरिंग हो रही है और अब रीइन्फोर्समेंट बुलाई जा रही है। अब ये वाले जो पैराट्रूपर्स हैं ये वहां पे जाएंगे, हो सकता है वहां जो ऑलरेडी पैराट्रूपर्स हैं या आर्मी के बाकी जवान हैं उनको रेस्ट की जरूरत हो सकती है क्योंकि वो कल
सुबह से लगातार इस ऑपरेशन में लगे हैं, लगातार ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में अब लेटेस्ट यही है कि ड्रोन के जरिए भी फायरिंग की जा रही है। पहली बार हमने देखा कि ड्रोन के जरिए फायरिंग हो रही है, ये पहली बार हमने देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल फायरिंग के लिए किया जाता है। उससे ये हो सकता है कि जहां पे भी मिलिटेंट को सपोर्ट किया जाएगा वहां पर फायरिंग होगी और कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होगी, क्योंकि अगर वहां पे सुरक्षा बल नजदीक जाएंगे तो मिलिटेंट फायर कर सकते हैं और उसे नुकसान हो सकता है, कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। इसलिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पे आर्मी के जवान हर तरफ से लगे हुए हैं और वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बड़ा चैलेंज जरूर है, क्योंकि यहां पे हमने देखा कि बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स का जो हाइड आउट था उसको यहां पे तबाह कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि आईडी का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, आरपीजीएल का इस्तेमाल किया गया और लगातार धमाके हो रहे थे, लगातार फायरिंग हो रही थी। कितना टाइम लगेगा ये क्या पाना मुश्किल है। चैलेंज जरूर है, लेकिन इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के जो लोकल यूनिट्स हैं वो पहले से ही लगे हुए हैं, लेकिन उसके बगैर जो बाकी सुरक्षा बल हैं उनको जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, चाहे वो सीआरपीएफ के हों या फिर पुलिस।